चैप्टर वन क्लास एट साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, किस तरह फसलें उगाई जाती हैं और उनको किस तरह से उनका प्रबंधन होता है। पहेली एंड भूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज अ फार्मर। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो एट्सेट्रा इन द फील्ड। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So, where do animals get their food from? पहले और भोजो जो थे अपने अंकल के घर गए थे गर्मी की छुट्टियों में। उनके अंकल एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने कुछ वहाँ पर औजार देखे, जैसे खुरपी थी या हंसिया था, फावड़ा था, हल था, जो कि उनके खेत में थे। आपको ये पता चल चुका है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जीवित प्राणी हैं उनको खाना चाहिए, उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं सारे। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स। प्लांट्स अपने आप अपना खाना बनाते हैं। तो आप याद करिए कि कैसे ये अपना खाना बनाते हैं, बाई फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो उनके अंदर ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल, उसकी मदद से ये अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स, जिसमें कि इंसान भी आ जाते हैं, अपना खाना नहीं बना सकते। तो कहाँ से मिलता है उनको? प्लांट्स से मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहले तो ये जानें कि हमें खाने की आवश्यकता क्यों है। You already know that the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. आपको पता है कि जो energy प्राणियों को खाने से मिलती है, organisms जितने भी जीवित प्राणी हैं, तो वो अपने शरीर के विभिन्न जो उनके कार्य हैं उनको पूरा करते हैं, जैसे डाइजेशन खाना पचाना, रेस्पिरेशन सांस लेना, एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालना। इन सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और वो जो है, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमें अपना खाना या प्लांट्स से मिलता है। जो कार्निवोर्स होते हैं वो दूसरे जानवरों को खाकर एनर्जी प्राप्त करते हैं, और कुछ ओमनीवोर्स होते हैं जो कि, जैसा कि आप याद करिए, ओमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स के भी प्रोडक्ट्स खाते हैं और एनिमल्स का जो फ्लैश वगैरह है वो खाते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। जिससे कि एक बहुत बड़े हम जनसंख्या को खाना दे सकें, इसके लिए हमें लगातार क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है। उनको बड़ा अच्छे से उनके मैनेजमेंट चाहिए, प्रबंधन, और उसका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक जगह खाना बहुत बहुतायत में पैदा हो रहा है, मगर एक दूसरे हिस्से में देश के जहाँ खाना या अनाज पैदा नहीं हो रहा, वहाँ तक उसको पहुँचाना भी ज़रूरी है। तो सब कुछ आ जाता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, हम किस तरह से अपना खेती करते हैं। टिल 10,000 BC, यानी कि BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। आज BC, अब इस समय 2020 चल रहा है, तो उसमें आप 10,000 साल और ऐड कर दीजिए तो लगभग 3,020 साल पहले पीपल वर नोमैडिक, माने वो जो थे वो खाना बदोश किस्म के थे, इधर उधर भटकते थे। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो एक से दूसरी जगह खाने और शरण की तलाश में वॉन्डर करते थे, यानी इधर उधर भटकते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। वे कच्चे फल और सब्जियाँ खा लेते थे और उसके बाद उन्होंने जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया अपने खाने के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। बाद में उन्होंने ज़मीन पे उपज शुरू कर दी राइस की, व्हीट की और दूसरे फूड क्रॉप्स की, जिससे एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। सो व्हाट इज़ अ क्रॉप? जब बहुत सारे पौधे एक तरह के जो होते हैं उनको एक ही जगह पर उत्पन्न किया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है, उपजाया जाता है बहुत बड़े स्तर पर, तो उसको क्रॉप कहते हैं।
For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. इसका मतलब है कि अगर wheat wheat crop है तो इसका मतलब है कि एक ही फील्ड में सारे ही पौधे wheat के हैं. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. आपको पता है कि फसलें जो होती हैं कई तरह की होती हैं, जैसे अनाज, सीरियल जैसे गेहूँ, धान एक्सेट्रा, वेजिटेबल्स आप जानते हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स खाई जाती हैं, उगाई जाती हैं, और फ्रूट्स भी आप इनके बारे में जानते हैं. दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. इनको हम क्लासिफाई करते हैं कि ये कौन से मौसम में उगाए जाते हैं. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया बहुत बड़ा देश है. द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. और जहाँ के जो मौसम का जो जो उसके हालात हैं, जैसे वहाँ का तापमान, वहाँ की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, हवा में कितनी नमी है और कितनी बारिश हो रही है, वो एक से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग है. अकॉर्डिंगली देर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इसलिए बहुत ही कई तरह की क्रॉप्स जो हैं अलग अलग हिस्सों में उगाई जाती हैं. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. इसके इस अनेकता के अतिरिक्त भी दो इस तरह के ग्रुप्स हैं जिसमें हम क्रॉप्स को पहचान सकते हैं, और वो ग्रुप्स हैं खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स में द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. जो बारिशों के मौसम में उगाई जाती हैं वो खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं. रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. हमारे यहाँ जून से सेप्टेम्बर तक होता है रेनी सीजन. पैडी यानी धान, धान जिससे कि चावल निकलता है. मेज़, मक्का, सोयाबीन जो फलियाँ होती हैं उसके अंदर का जो बीज जो सोयाबीन होता है. ग्राउंडनट यानी मूँगफली, कॉटन यानी कि कपास वगैरह, ये सब खरीफ क्रॉप्स में आती हैं. रबी क्रॉप्स, क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. जो सर्दियों में उगे वो रबी क्रॉप्स. देयर टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. और ये अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड. इसमें आते हैं आपके गेहूँ, चना, मटर, सरसों, लिनसीड इत्यादि. बिसाइड्स दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेज. इसके अलावा दालें और सब्जियाँ भी गर्मियों में बहुत जगहों पर उगाई जाती हैं. हर मौसम की अलग अलग सब्जियाँ हैं. अधिकतर सब्जियाँ सर्दियों में होती हैं क्योंकि वो ज़्यादातर प्लांट्स पे उगती हैं जो कि जिनको थोड़ा मौसम सही चाहिए, लेकिन ज़्यादा ठंड भी अच्छी नहीं है. बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. क्या करते हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन में? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो फसलों को उगाना जो है उसमें बहुत सारे काम आते हैं जो कि हमारे किसान काफ़ी लंबे यानी कि लगभग 6 महीने या 2-3 महीने तक तो करते ही हैं, उसके बाद फसलें पकती हैं. यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस. आप घर में जब सजावटी पौधे उगाते हैं तो आप भी वही कुछ करते हैं जो खेतों में होता है. These activities or tasks are referred to as agricultural practices. इनको हम इन सब कामों को agricultural practices कहते हैं. This can be listed as below. These activities are listed below. Preparation of soil. पहले तो आप मिट्टी तैयार करें, sowing, फिर उसमें बीज बोएं. Adding manure and fertilizers. उसमें हम खाद और जो रासायनिक खादें हैं वो मिलाते हैं. Irrigation. उसके बाद उसको हम सिंचाई करते हैं. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, उसके बाद उसमें जो खरपतवार यानी जंगली घास फूस उगाती है तो उसको हम निकाल देते हैं. फिर जब फसल पक जाए तो उसको हार्वेस्टिंग यानी कटाई करते हैं, और जो अनाज पैदा होता है उसको हम लास्ट में स्टोर करते हैं. और अगर उनको मिलों में भेजना है, फैक्ट्रीज में भेजना है, जैसे शुगर केन इत्यादि, तो उनको हम फैक्ट्री में ले जाते हैं और वहाँ पर उनसे शुगर बनती है एट्सेट्रा. तो